हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आ गई हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक और वीडियो लेकर। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ये मुझसे पूछा कि दीदी हमें बताइए कि प्रेगनेंसी में हाथ पैरों में सूजन क्यों आती है और इससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ क्या हाथ पैरों में सूजन आने से हम क्या किसी तरह का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम पूरे तरीके से जानने वाले हैं, साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे मेरे प्रेगनेंसी का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिल पाए, कुछ नॉलेज आप गेन कर पाओ। और इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी फीमेल ये वीडियो देख रही है, अगर वो ऑलरेडी मॉम है तो प्लीज़ आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कीजिएगा, ताकि जो फर्स्ट टाइम मॉम बनती है ना, वो उनको ये वीडियो भी फ़ायदेमंद हो, प्लस आप लोगों के एक्सपीरियंस से उनको भी काफ़ी हेल्प मिले। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे वीडियोस के नीचे ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि और भी सब्सक्राइबर जो है मेरे उनको इससे हेल्प मिले। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप हमारे वीडियो से कनेक्ट रहे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल एंड शेयर कर दे जितना ज़्यादा हो सके। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैनल की रेगुलर जो सब्सक्राइबर है उनमें से एक ने पूछा मुझसे कि क्या हम प्रेगनेंसी में हाथ पैरों में सूजन क्यों आती है, कब से होना शुरू होती है और उससे क्या हमें प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि प्रेगनेंसी में हाथ पैरों में सूजन क्यों आती है। देखिए, प्रेगनेंसी का जो पहला महीना से 9 महीना तक हमारा शरीर बहुत अलग अलग तरह के चेंजेस से गुजरता है, हमारे शरीर के हार्मोन चेंज होते हैं, जिससे कि हमारे अंदर का सिस्टम भी चेंज होता रहता है, क्योंकि हार्मोन्स ही चेंज हो रहे हैं तो ऑफकोर्स सब चीज़ का चेंज तो होना ही है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में जो हमारे हाथ पैरों में सूजन क्यों आ जाती है, देखिए प्रेगनेंसी में हमारे हाथ पैरों में सूजन आने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगता है मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमारे हार्मोन्स में बहुत चेंजेस आते रहते हैं, तो हमारे हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती रहती है, जिसकी वजह से हाथ पैरों में भी सूजन आती है। ये कब से आती है ये सूजन, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये सूजन आपको दिखने को मिलेगी 5 से 6 महीने या 7वें महीने से भी किसी को पैरों में सूजन देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि हमारा बेबी जब हमारे टमी में बड़ा होता है तो उसका वेट होता है और धीरे धीरे वो वेट बढ़ना शुरू होता है, और जिससे कि हमारे पूरे बॉडी का जो वजन है पैरों पे पड़ता है, और पैरों के जो नसें हैं कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है, पैर स्वेलिंग हो जाते हैं, और कभी कभी ज़्यादा बैठने से भी हमारे पैरों में स्वेलिंग आती है, कभी कभी ज़्यादा चलने से भी हमारे पैरों में स्वेलिंग आती है। इसलिए डॉक्टर हमेशा बोलते हैं ना ज़्यादा बैठ के रहो ना ज़्यादा लेट के रहो, तो आपको अपना जो बैलेंस है वो बना के रखना होगा, आपको सही टाइम पे चलना भी है और सही टाइम पे आराम भी करना है, तो भी हमारे जो पैरों में स्वेलिंग होती है। दूसरा, बहुत सारी फीमेल्स ना नमक बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती है, मीन्स अपने खाने में गले हुए नमक के अलावा भी वो रॉ नमक जो होता है, कच्चा नमक, वो खाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से भी पैरों में, हाथ में या चेहरे पर सूजन आना शुरू हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहला उपाय है कि आपको नमक कम करना है अपने खाने से। जितना अपने खाने में नमक कम खाओगे ना, उतने स्वेलिंग से बचे रहोगे। अगर आपको पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो आप गर्म पानी में अपना पैर डिप करके रख सकते हो, हल्का गर्म पानी में अपना पैर रोज डिप करके रख सकते हो, जिससे कि आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, प्लस आपके पैरों में अगर किसी तरह का पेन है वो भी कम हो जाएगा। थर्ड, अगर इन दोनों चीज़ों से अगर आपका जो स्वेलिंग है वो कम नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर आपको डायग्नोस करके अच्छे से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, मेडिसिन बताते हैं, जिससे कि आपका जो पैरों की स्वेलिंग है या हाथों की स्वेलिंग या चेहरे की स्वेलिंग, ये सब ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या पैरों की स्वेलिंग से लड़के लड़की का प्रेडिक्शन कुछ किया जा सकता है। तो देखिए, मेरे नॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं है कि पैरों की स्वेलिंग होने से या पैरों के सूजन होने से लड़का होता है या लड़की होता है। कि जहाँ तक मैं जानती हूँ कि प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में चेंजेस आने ही हैं, वेट गेन करना ही है, पूरा वेट का प्रेशर हमारे पाँव पर पड़ता है, तो ऑफकोर्स जो हमारे पैर है वो स्वेलिंग तो होगी ही होगी।
अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता दूँ, मेरी प्रेगनेंसी में मुझे पाँव में सूजन नहीं थी, मेरी प्रेगनेंसी में मुझे हाथ पैरों में दर्द होता था, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था, खासकर राइट लेग्स में बहुत दर्द होता था, क्योंकि उस समय मेरी वेट भी काफ़ी मैंने पुट ऑन कर रखा था और ऑलमोस्ट 28 किलो मैंने पूरी अपनी प्रेगनेंसी में पुट ऑन कर रखा था मेरा वेट, तो मुझे काफ़ी सारी परेशानियाँ आती थी, लेकिन मेरे पैरों में सूजन नहीं थी और मैं बिल्कुल भी सूजन नहीं थी, लेकिन पाँव में मेरे पेन रहता था और सूजन बिल्कुल भी नहीं, तो फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है। हालांकि प्रेडिक्शन में काफ़ी लोग मुझे बोलते थे कि तुमको लड़की होगी, जो भी हो यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें लड़का लड़की का कोई मतलब नहीं है, हार्मोनल चेंजेस होती है, खाने पीने में थोड़ी सी चेंज करोगे तो ऑफकोर्स आप ठीक वापस आपके पाँव जब है सही हो जाएंगे, अगर फिर भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मेक श्योर कि आपको डॉक्टर से ही मेडिसिन लेना है, ना कि आपको खुद से किसी तरह का मेडिसिन खाना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखना, अपने भी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस को यहाँ पर जरूर देना ताकि दूसरी जो महिलाएँ हैं उनको हेल्प मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।